बस है, जिंग बस, जो मोस्टली 1500 रुपीज़ में मेरी बुक हुई है। फूड एक्चुअल में टेस्टी है, मैंने लगा था कि मतलब बेकार होगा करके, नहीं पर बहुत अच्छा है। कृष्णा की नगरी में और कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। है हमारी योगी आदित्यनाथ जी का घर और ये मंदिर, आप देख सकते हो कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, पूरी प्रबल। अभी भी यहीं पे है क्या? हाँ, योगी जी अभी दो दिन के लिए आए। अच्छा, मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने ना इधर में। 5 रुपए का नोट है, ये 10 का, ये 1000 रुपए का नोट। तो फाइनली सिम बन चुकी है अनसेल कंपनी की, 330 रुपीज नेपाली के। रेस्टॉप यहाँ पे वर्क करने वाले भैया, पूरा ऑसम है व्यू, आप देख सकते हो पूरा प्रॉपरली। ये कॉमन रूम है पूरा प्रॉपर यहाँ का, एज यू कैन सी द व्यू ऑल्सो। दिस इज ब्यूटीफुल नेपाल। सो हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल, के इंट्रो जय महाराष्ट्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष सहगल लेके आओ फिर से एक वीडियो। आज गेस करो, हाँ सही पकड़े हो, आज हम जा रहे हैं नेपाल। तो देखो, अभी नेपाल के लिए जाने में बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मैं अभी होटल चेकआउट कर चुका हूँ, मैं वाटर पार्क ले गया था। वाटर पार्क का तो आपकी वीडियो उसमें देखा ही होगा, नहीं देखा होगा देखो, आई बटन के ऊपर आ ही गया होगा। सेकेंड चीज़, अभी मुझे मतलब यहाँ से दिल्ली से डायरेक्ट पहले सोचा फ्लाइट से जाऊँ, बट ना मुझे आपको दिखाना था कि बहुत चीप से चीप रेट में कैसे जा सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए जो सबसे चीप और सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे, तो वीडियो को एंड तक के देखना। और मैं आपको यहाँ पे सब ये वीडियो में सिर्फ मैं फिलहाल में आपको जर्नी बताऊँगा कि इतने दिन में पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पेटीएम से मैंने KST ट्रैवल से एक बस किया था जो मुझे 1200 रुपीज़ का पड़ा, ठीक है। और मैं यहाँ से मतलब यहाँ पे जिस लोकेशन है वहाँ से मैं जा रहा हूँ कश्मीरी गेट, ठीक है। कश्मीरी गेट से अप्रॉक्सीमेटली मुझे कैब से जाना पड़ा, इसलिए मेरे हाथ में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा बैग है। तो बस ये चीज़ देखने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। बैग वैग खरीदे मैंने शॉपिंग मेट्रेस की, तो वीडियो में आप देख सकते हो थोड़ी सी हालत ख़राब है आई हूँ, बट आप वीडियो पूरा एंड तक के देखना। मैं आपको और दिखाऊंगा कि मतलब गोरखपुर से और कैसे आना, डायरेक्ट नेपाल नहीं जा रहे हम लोग गोरखपुर से होते हुए नेपाल जा रहे हैं। तो कैसे जाते हैं, कितने सस्ते में पहुँचते हैं, मैं मात्र आपको बता दूँ 2000 के अंदर नेपाल पहुँचने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक के पूरा देखना, मैं फिर से आपके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा। ट्रैवलिंग में क्या क्या होगा, किधर हमारी बस रुकती है, क्या रुकती है, आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगा, बस की सुविधा भी दिखाऊंगा। तो बस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और जस्ट और आगे जाओ जल्दी आओ। बाय। क्या बोलो, ये इतना बेकार है, अभी पता नहीं एक घंटे में हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। हालत आप देख सकते हो, सुबह से ट्रैवलिंग कर रहा था, कश्मीरी गेट और है 1 घंटा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं मेट्रो से जाता, ठीक है मेट्रो से जाता, पर मैं इतना बड़ा बैग कैसे नहीं जाता, इसलिए मैंने कैब बुक की थी उस चक्कर में। ट्रैफिक देख सकते हो कितनी भयंकर ट्रैफिक है यार। तो एक्साइटेड तो हुई नेपाल जाने के लिए, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार मतलब सोलो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है ये। इसके बाद मैं सर्बिया जाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था सर्बिया। देखते हैं अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद में कैसा अभी मतलब चल रहा है वहाँ पे अभी, फिर भी पर फिर भी हम देखने वाले सर्बिया में, उसका कुछ हुआ है कि नहीं। हाँ आई नो सर्बिया थोड़ा रशिया के बाहर है, बट स्टिल सर्बिया कनेक्टेड तो है। फिर भी एक बार जाके देखना चाहूँगा कि कैसा वहाँ पर चल रहा है, क्या चल रहा है, पुतिन साहब क्या बोल रहा है। फिलहाल में जहाँ हम जा रहे हैं नेपाल, नेपाल में मैं 3 प्लेसेस कवर करने वाला हूँ, पोखरा, काठमांडू और थामेल की नाइट लाइफ, और थोड़े बहुत मेरे वीडियोज़ में आप टेम्पल्स एंड ऑल भी देख सकते हो, तो हर एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, कोई बस हम चाहते हैं कोई फॉरनर हमसे बच जाए, वहाँ का वीज़ा लेके हम भी फॉरेन शिफ्ट हो जाए। अभी फ्यूचर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मजाक कर रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे भाई की लाइफ तो ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी, टेंशन मत लो, सिंगल ही मरने वाले हम ऐसा लग रहा है, ठीक है। और थोड़ी हालत ख़राब है, जैसे आप फेस देख सकते हो कि सुबह से मैंने कुछ भी मतलब मूवमेंट किया, तो प्लीज़ जज मत करना, फिर मैं पहले ही बता दूँ। A few moments later. बस अभी हम लोग पहुँचने वाले गोल चक्कर, यार बहुत टाइम लग गया एक्चुअली ना। 2 hours later. मेरी बस है जिंग बस, जो मोस्टली 1500 रुपीज़ में मेरी बुक हुई है। अंदर से कैसी है वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। गाड़ी के अंदर वीडियो बनाना।
तो फाइनली गाइस हम लोग अभी ढाबे पे है, गुलशस्ता ढाबा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहुँचा है। मैं रात को कुछ 10-15 की गाड़ी पर बैठा था बस में, जैसे मैंने आपको बताया था जो मेरा रूट था उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। मैं घर से निकला था घर मतलब वही जो होटल में मतलब मैं रुका था दिल्ली के, जैसे आप देखोगे वाटर पार्क के बाद में जो मैं ब्लॉग बनाया था मैं सीधा नेपाल जा रहा था। मेरा तो कोई दिल्ली में घर वर है नहीं, बट स्टिल हम लोग कश्मीरी गेट से निकले थे, गोल चक्कर था, वहाँ से हम लोग निकले थे अप्रॉक्स 10-15 को। और भी अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 2 बज रहे, तो 2 बजे हम लोग ये गुलशंकर ढाबा पहुँचे। ये कौन से लोकेशन पे? ये वृंदावन तक। अच्छा वृंदावन कट, वृंदावन जो होता है, ओके मथुरा वृंदावन वही वाला। ओके तो अभी हम वृंदावन पहुंच चुके 2 बजे, तो आप जस्ट यहाँ पे हम लोग ड्राइवर ने उतारा, आप प्रॉपर्टी देख सकते हो थाली का भी बहुत सस्ता, इतना कोई महंगा नहीं है जितना मैंने सोचा था। 150 रुपीज़ का आप खाना देख सकते हो, प्रॉपर अच्छा खाना है, हाइजीनिक है, पेट भर के सर अनलिमिटेड है ना, कितना भी खाओ करके बहुत अच्छा है। 150 रुपीज़ में और जैसे मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप की खाई है मैंने, 150 वाली मुझे थोड़ी ठीक लगी क्योंकि मैं वेज खाने चाहता था इसलिए। अब वृंदावन में आए तो ऑब्वियसली नॉन वेज तो मिलेगा ही नहीं, मतलब बहुत जल्दी मेरे ड्राइवर ने 2 बजे ही पहुँचा दिया वृंदावन, ठीक है। और यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं डायरेक्टली, पहले लखनऊ उतरेंगे, फिर लखनऊ के बाद गोरखपुर। कैसे जाना है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा प्रॉपरली, आप वीडियो के एंड तक के रहना क्योंकि एंड में मैं पूरे टिकट से लेकर के सब कुछ बताने वाला हूँ, मेरा कॉस्टिंग कितना हुआ है डायरेक्ट नेपाल पहुंचने के लिए, ठीक है, मैंने कितने पैसे खर्च किए, मैं आपको कम से कम और जेन्युइन रेट बताऊंगा जो मैंने दिया है। बाकी यूट्यूबर जैसा नहीं 100 रुपये में नेपाल पहुँचे 200 रुपये में नेपाल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी क्लिप बताऊंगा पूरी ओरिजिनलिटी होगी और वही आएगा, पक्का तो बिल भी डालूंगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। तो कमेंट डाउन करना किसी को भी लाइक कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी या कुछ होगी, मैं आपको पूरी आपकी आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो अब खाना खा लूँ क्योंकि बहुत देर से भूख लग रही, ठीक है। फूड एक्चुअल में टेस्टी है, मैंने लगा था कि मतलब बेकार होगा करके, नहीं पर बहुत अच्छा है। कृष्णा की नगरी में और कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फाइनली पकौड़ी मिल गई है, 20-30 रुपये की पकौड़ी आपको मिलती है। बस फिलहाल मैं गोरखपुर के तरफ पहुंच गया हूं मैं, बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट का रास्ता और है गोरखपुर का, उसके बाद में मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊंगा। गोरखपुर से सनोली कैसे जाते हैं? सॉरी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया ना इसलिए बरार निकल नहीं रही है बस, ठीक है। तो गोरखपुर से सनोली जाने के लिए 120 रुपीज़ लगते हैं बॉर्डर पर जाने के लिए, ठीक है। और आपके पास में याद रखना पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड, वोटर आईडी या कुछ तो भी होना आपके पास रहना चाहिए एज अ प्रूफ के लिए, गवर्नमेंट प्रूफ के लिए। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि मैं खुद अपना पासपोर्ट भूल चुका हूं, मेरे को बहुत हंसी आ रही बताते हुए, शाबाश। और आधार कार्ड तो है पर यार पता है बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यार मैं इतने दूर ना मतलब मैं ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने आया था, सोचा कि नेपाल का वीज़ा ले लूँगा तो यार ठप्पा लग जाएगा, अच्छा हो जाएगा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, पर कोई ना चलो नेक्स्ट टाइम फिर से आने वाला हूँ तब आ जाएंगे एक स्टैंप लेने के लिए, उसमें क्या है। तो फिलहाल मैं जैसे मैं अभी गोरखपुर पहुँचूंगा, गोरखपुर यहाँ से पहुँचने मुझे 1500 रुपीज़ लगे जिंग बस से जैसे आप देख सकते हो, और फिर उसके बाद में मुझे लगेंगे अभी सनोली बॉर्डर के 120 रुपये, और वहाँ से शायद सनोली से फिर मुझे स्टैंप लेना पड़ेगा, ठीक है। सनोली से स्टैंप लेके अप्रॉक्सीमेटली मेरे को फिर स्टैंप फ्री में मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ उन लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं बॉर्डर पे और आपको फिर एंट्री। सनोली से काठमांडू से फिर थामेल, और हाँ वहाँ का एक लोकल ऐप है जिसका नाम है पथाव, तो प्लीज़ उसे भी आप मतलब डाउनलोड कर ले अगर कभी आप जा रहे हो। तो बाकी वीडियो मैं आपको बॉर्डर पहुँचने दिखाता हूँ। बाय। तो हेलो गाइस, अभी बस हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर से मुझे अभी जाने आज से बस अड्डा जाने के बाद में मैं आपको और अपडेट दूंगा वहाँ से सनोली बॉर्डर कितने पैसे क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का चलता है ना सनोली बॉर्डर जाने के लिए। आपको पहले जैसे उसने मुझे वहाँ ड्रॉप किया था, वहाँ से मुझे आने में रिटर्न अभी प्रॉपर पकड़ के चलो कुछ 150 रुपीज़ ले रहे हो ऑटो वाले, और वहाँ से मुझे और एक उठाना पड़ेगा जहाँ से मतलब बस से सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं टैक्सी से जाऊँगा तो 300-350 रुपये सनोली बॉर्डर के ही लग जाएंगे, तो मुझे थोड़ा चीप में जाना ना तो बस प्रोवाइड करो, बस 120 रुपये में पहुँचा देगी, ठीक है। तो मैं आपको बाकी का भी पहुँचा था वो भी गोरखपुर, तो देख लोगे आप थोड़ा बहुत दिखा सकते हो जितना ऑटो में दिखा पाओगे, पर मेन तो हमें सनोली बॉर्डर जाना है, सनोली बॉर्डर से ही नेपाल चालू हो जाता है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे मैं काफ़ी पूरी डिटेल्स डाल दूंगा इसके अंदर में मेरा खर्चा किस किस चीज़ पर लग रहा है, ऑटो से लेकर के सब चीज़ होगा, ठीक है, तो जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो बस वीडियो के एंड तक के बने रहना।
तो फाइनली गाइस मुझे जहाँ पे वो ऑटो वाले भैया ने छोड़ा है अभी यहाँ से मुझे डायरेक्टली मतलब बस मिल रही थी दो ऑप्शन से, बस के 120 और इसके 300 रुपीज़ कार के। तो देखो यार बस में तो एसी थी नहीं और गर्मी से बहुत थी, तो मैंने सोचा कि यार देखो आप लोग अपने हिसाब से आ सकते हो, मतलब देखो मुझे तो यार 300 इतने ज़्यादा नहीं लगे जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी से ही चले जाए, कार से ही चले जाए, है ना। और बस के वैसे देखा जाए तो 120 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली लगते हैं, तो ठीक है बस में भी धक्के खाने से बेटर है कि एसी गाड़ी में चले जाओ, है ना। गाड़ी भी दिखाऊंगा, गाड़ी अच्छी खासी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड थिंग, आप जब भी गोरखपुर उतरोगे तो गोरखपुर से आपको मोस्टली आना है यहाँ पे बस अड्डा, जहाँ पे भी आपकी गाड़ी आपको छोड़ेगी वहाँ से उनको बोलना है बस अड्डा जाना है करके। बस अड्डे के लिए आपको वहाँ से अप्रोक्सीमेटली अगर पर्सनल आओगे तो 150 रुपये और शेयरिंग में आओगे तो 25 से 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। वो आपके साथ बार्गेनिंग करते रहेंगे, मतलब वो आपको 500, 600, 1000 ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, बट आपको अपने 300 रुपये हार्डली उससे नीचे कम नहीं जाना है, ठीक है। 300 रुपीज़ में आपको वो छोड़ देंगे। ओके चलो अभी और बताता हूँ मैं आगे और क्या क्या होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और मेरे चैनल को प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब करो। देखो यार आप लोगों के लिए मतलब मैंने सुबह से बिलीव नहीं करो कि मुझे पानी भी नहीं मारा तो भी रियल वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इफेक्ट फिल्टर वगैरह लगाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि यार जो रियलिटी है जो एक्चुअल में स्ट्रगल करके पहुँच रहा हूँ वो दिखाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ थोड़ा तुम्हारा भाई फ्रेश व्रेश भी होगा, पर ये जर्नी दिखाने के बाद मैं दिखा दूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं सोनोली बॉर्डर पहुँच गया तो वहाँ का भी हाल दिखाता हूँ कि वहाँ पे मतलब इमिग्रेशन कैसे होगा, मतलब मेरे को अंदर कैसे आने देंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो वो दिखा देता हूँ। तो ये छोले भटूरे की दुकान है भैया की। भैया वीक लॉन्ग होके भी अपना पूरा पैशन संभाल रहे, देख सकते हो आप। तो भैया ये जो अपनी शॉप है ये मतलब कितना भाड़ा कितना है इसका? 18,000 रुपये। बापरे निकल जाता है? वही यार इतना, क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं होगा ना, इतना सेल नहीं होता होगा, लॉकडाउन हो गया, गर्मी हो गया, तो गर्मी में कोई खाएगा तो नहीं छोला भटूरा। वही तो, अच्छा पानी बोतल बिक रहे हैं वो सही है, पर मेहनत कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है भैया, विकलॉग होके भी। वही नहीं तो आजकल तो बस लोग बैठ के खाने के चक्कर में रहते हैं। आपने तो अभी खुद का किया है, बोलता फैमिली में कितने लोग हैं? बाप रे। और आप अकेले संभालते हो और भी लोग काम करते हैं? चार भाई हैं सब अपना। आपकी खुद की फैमिली शादी वादी हुई है? तीन बच्चे हैं। और क्या बात है, चलो आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी भैया की शॉप पे आओ। क्या बोलते हैं एरिया का नाम क्या ये? अच्छा सोलोनी का बस लगता है यहाँ पे गोरखपुर से। एरिया का नाम क्या बोला? रोडवेज गोरखपुर। मैं भैया के पास आ चुका हूँ, आपने जैसे देखा अभी भैया का मैंने जैसे छोटा मोटा इंटरव्यू लिया है। आई नो मेरे को थोड़ा सा मतलब दिक्कत जा रही थी, क्योंकि मतलब मैं इंटरव्यू वैसे ऐसा लेता नहीं हूँ किसी का, बट मेरे को भैया की शॉप थोड़ी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री का खाना हूँ, पैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये गलत मत सोचना कि अभी लोग फूड ब्लॉगर ऐसे होते, मेन यार इन लोग मेहनत करते तो पैसे देने बनते, ठीक है। और जो भी ऐसे फुकटिया यूट्यूबर्स होंगे जो सिर्फ जाके खाना पीना खाते हो, तो यार इन लोग की मजबूरी समझो, इन लोग भी कमाना चाहते हैं, इसलिए इन लोग हम भी बुलाते हैं, ठीक है। और मुझे बुलाया भी नहीं गया था, जैसे मैंने आपको भैया घर में बताया था, बस मेरे को भूख लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जो मेरी गाड़ी है वो अभी तक निकली नहीं है, उसमें और एक दो पैसेंजर किसी नहीं है, आ गए एक दो क्लाइंट तो मिल गए भैया को शायद, देखते और कितना टाइम लगेगा। नहीं मेरे फॉलोअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी अगर आता है तो मैं भैया का नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और दूसरी चीज़ मतलब जो भी उनका मतलब पे एंड ऑल का रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, क्या रहेगा क्या नहीं, उनके कस्टमर बैठे से बता नहीं पा रहा हूँ, पर मैं बता दूंगा आप लोगों को जितना भी होगा उसका, ठीक है। और नंबर के साथ मैं आपको कॉल करना और बोलना कि क्यूब सैगल के फॉलोअर्स हैं तो ही आपको डिस्काउंट देंगे, वरना 500 से कम नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोल दिया अभी इन्होंने तो डिस्काउंट देंगे ही आपको, ठीक है। और बाकी अभी हम दिखते हैं गोरखपुर भी, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको जितना कार से दिखा सके। इतना अच्छा पानी, पहली बात तो पेट खराब नहीं करता है, बस इतना अच्छा। हाँ हाँ खाने पीने के लिए वहाँ पे क्या क्या है, मतलब सब कुछ इंडियन फूड मिलता है वहाँ पे? आपको इंडियन फूड मिलेगा। अच्छा मोमोज वगैरह ज़्यादा चलते ना वहाँ पे, वहाँ की नाइट लाइफ वगैरह वही चीज़ देखने, जबरदस्त वही चीज़ देखने जाना है, बस दलाल के चक्कर में। नहीं नहीं भैया वो सब चीज़ें नहीं करता मैं मैं अपना इसलिए एंजॉय करने जा रहा हूँ सिर्फ अकेले, बाकी जो मंदिर वंदिर है ना
उनकी वीडियोस निकालने जा रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वो तो सब सही है लेकिन हम बता रहे हैं आपको। नहीं वो मेरे को पता है, मैं पहले यूट्यूब देख लिया था मैंने, मैं भी किसी का वीडियो देख के ही आया था। अच्छा। वहाँ पे स्कैम बहुत सारे होते हैं ना ये सब, तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आप नेपाल जा रहे हो तो जैसे मेरे को भैया ने भी बताया कि वहाँ पे नाइट लाइफ अच्छी है यार, लोग क्या है बदनाम करते हैं सिर्फ, ठीक है, पर वहाँ पे जो दल्ले लोग हैं जैसे इन्होंने बताया ब्रोकर्स एंड ऑल, तो वो आपको वैसे वहाँ पे कोई मिलेगा तो प्लीज़ उनके कॉन्टैक्ट में ना पड़े, सिर्फ जाए एन्जॉय के हिसाब से ही जाए, सोलो जाए या कपल जैसे भी जाना हो जाए, क्लब में जाए अंदर एंजॉय करे और वापस आए। वहाँ पे एक्चुअली स्कैम किस चीज़ का होता है ना कि लड़कियाँ भी आके आपके पास बैठती है बात करने को देखती है, तो मैं तो चाहूँगा कि देखो जो ऑब्वियसली सिंगल लड़के लोग तो जाएंगे ही बात करने, पर थोड़ा सा अगर आप रुका दोगे या थोड़ा सा खुद की फीलिंग से बचा लोगे तो आप बच जाओगे, ठीक है, वरना स्कैम तो कटना ही कटना है। और ऐसे छोटे मोटे स्कैम नहीं कटते, उनकी एक ड्रिंक की 2000 रुपए नेपाली डॉलर की होती है, मतलब अपने हाथ से पकड़ लो 1200-1500 रुपए की एक टकीला उनका, ठीक है, 2000 से नीचे नहीं है। तो देखो एक टकीला 2000 से नीचे नहीं आता भैया बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना महंगा हो जाएगा आपको। तो वजह ट्रिप के लिए आए हो तो एंजॉय करो अकेले में, कोई जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा रस्ते में, है ना। और जहाँ पे हम मिल रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रैवलर्स घूमते ही रहते हैं, कोई कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा वहाँ पे, है ना, भी फॉरेनर्स वगैरह इंडियंस वगैरह बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बस यही चीज़ आपको बताएंगी, ना ही कोई मसाज पार्लर में जाना, जाओगे भी तो अपने रिस्क पे जाना, पैसे वैसे ज़्यादा कैरी मत करना, और उनको पहले क्लियर कर देना कि सिर्फ मैं मसाज करना हूँ, किसी और चीज़ के लिए नहीं हूँ। मैं तो बोल रहा जाना ही क्यों है वहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम लोग गोरखपुर से अभी निकल चुके हैं, अभी हम लोग सनौली बॉर्डर जा रहे हैं। सनौली बॉर्डर से हम लोगों को लाइक वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी ना। ओके मेरे पास है वैसे 2000 पड़े नेपाली डॉलर, उससे 2000 बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ करेंसी एक्सचेंज में क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, आपका कुछ लगना नहीं है। अच्छा। और 1.6 से ही मिलना है आपको। हाँ वो तो है, तो करेंसी एक्सचेंज में फायदा एक होता है, जैसे मैं 10,000 करा लूँ कितने करा लूँ, 16,000 करा लूँ, नहीं 10,000 कराएंगे 16,000 मिलेगा, तो मतलब अच्छा है। और वहाँ पे बस एक ही वो है कि जैसे अब नेपाल के लोग, जैसे इंडिया के लोग नेपाल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो सामान मान लीजिए कोई चीज आपको पसंद आ गई, तो अक्सर क्या होता है करेंसी एक्सचेंज में ही दिक्कत होती है। मान लीजिए कि आपसे बोला कि 300 रुपए का है, तो आप तो उसको करेंसी इंडियन में दोगे 300, नेपाली में आप बार बार जब कन्वर्ट नहीं रहेगा तो आप फंसोगे बार बार। सही बोले, बार बार कन्वर्ट करने जाना, बार बार कन्वर्ट करने नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वो सपोज होता यूँ है कि आपने 500 का नोट दिया तो उसने कह दिया नहीं तो मैं तो इंडियन का बोला था, मैं तो नेपाली नहीं बोला था आपसे। अच्छा ऐसा रहता है, तो आपको नेपाली करेंसी ले लीजिए, बेटर है वो, नेपाली करेंसी बहुत अच्छी। ओके तो मैं यहाँ से पहले अभी सबसे पहले ज्यादा नहीं 6,000 रुपए पहले करेंसी कन्वर्ट कर लेता हूँ, 6,000 के 9,000। ओके सात, फिर सात कर लेता हूँ तो 10,000 रुपए मेरे पास आ जाते हैं। 10,000 बहुत होते हैं, होटल का तो मैंने ऑलरेडी पे करके रख दिया है, बहुत होते हैं। फिर ट्रैवलिंग में आपका जो पैसा खर्चा होगा वही वही वही, ट्रैवलिंग भी इतनी कॉस्टली नहीं लग रही है ना। अब आप काठमांडू जाइएगा तो काठमांडू बस में जैसे बस पार्क उतरेंगे वहाँ से नॉर्मल ऐसे गाड़ियाँ चलती है, जो सामने जा रही है ऐसी गाड़ियाँ चलती है, तो उसमें 30-40 रुपए आपको लेगा, तमिल छोड़ देगा। अच्छा 50 रुपए हाईएस्ट नेपाली तमिल छोड़ देगा, मतलब इतनी कॉस्टली सिटी नहीं है वो। नहीं कॉस्टली सिटी है खाने के लिए, कॉस्टली अच्छा, खाने के लिए वेज आप खाएंगे तो 400-500 रुपए से नीचे का, नेपाली का ना। हाँ मतलब 200-250 वही पड़ता है ना, मतलब नहीं बता रहे आपको नॉर्मल। अच्छा, हमारे यहाँ जो 1,000 रुपए में खाएंगे वहाँ 1600-1800 रुपए का खाएंगे। ओके समझ गया, आपको लगेगा। चलिए तो भैया जैसे बता रहे वैसे, हाँ पर अपने इंडियन करेंसी से एक चीज अच्छी है कि थोड़ी सस्ती है, मतलब देखने में लगता है वैसे वहाँ के सामान कॉस्टली है। अरे सामान पूछ लिए वहाँ के जो खरीदेंगे। अच्छा मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, पूरा बैग भर के लेके आया है, तो मेरे को ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। मेरे यहाँ जो लग साबुन 10 रुपए का मिल जाता है वहाँ 18 रुपए का है। अरे बाप रे, तो वही तो हो गया 12 रुपए का पड़ गया उल्टा, अपने को 12 रुपए पड़ गया। हाँ तो यार मतलब महंगाई देखो। अच्छा मैंने पूरी जिस गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हैं ये गाड़ी वहाँ 50 लाख रुपए की। अच्छा 50 लाख की, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से कितने हुए? इंडियन करेंसी के हिसाब से हो गया 35 लाख, हमारे इंडिया में 10 लाख रुपए की। हाँ यार, तो भैया मैं तो यहीं से कार लेकर के वहाँ बिजनेस चालू कर दूंगा, करना होगा तो। वहाँ का कॉस्टली है ना कार, वहाँ कॉस्टली है, कार कॉस्टली है। A few moments later. गोरखपुर देख सकते हो, थोड़ा सा गोरखपुर भी एक्सप्लोर कर लो, क्या बता आते टाइम पे मैं गोरखपुर रुक जाऊँ कुछ दिनों के लिए। अभी गोरखनाथ मंदिर आने वाला है। अच्छा मंदिर आएगा तो दिखा दे रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी का गिरा जनपद। अच्छा गिरा उनका घर है मान लीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा ये यहाँ पे ही है, यही पे रहते वो? क्या बात है, मेरे को पता नहीं था योगी जी आके।
हम तो मोदी के फैन पहले से ही थे, तो फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि योगी सर का भी यहाँ पे घर है। ठीक है, मंदिर के बाजू में ही है ना? नहीं, ये मंदिर पे चल रहा है, ये सब मंदिर की प्रॉपर्टी है। Two hours later. इधर का फेमस मंदिर ही है ना, गोरखपुर का नाम ही नहीं से पता। ये मंदिर आ गया, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये गोरखनाथ का सामने का। ये हनुमान जी का है, ये गोरखनाथ मंदिर का मेन गेट आप देख सकते हो पूरा प्रॉपरली। इतना सुंदर है यार, ये कितने साल पुराना है? ये हमको लगता है कि लगभग 150 साल पुराना है। हमारी योगी आदित्यनाथ जी का घर और ये मंदिर आप देख सकते हो, कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे पूरी प्रबंध। अभी भी यही पे है क्या? हाँ, योगी जी अभी 2 दिन के लिए आए हैं। अच्छा, कल ही आए। ये मंदिर का वो हॉस्पिटल, क्या बात है, मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने ना इधर में। ये मंदिर का हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है जो भी बनाया। बस अभी तेल भरने के लिए रुके हैं यहाँ से, और अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा और है तो हम लोग जाके फटाफट पहुँच जाए सरोली बॉर्डर। यार ये सफ़र तो दिन ब दिन मतलब लाइक बड़ा ही होते जा रहा है। ठीक है, अभी कम से कम मैं पहुंचना था तो आपको दिखाना ही था, तो अभी करना ही पड़ेगा। तो मैं पर हाँ, पर शायद मैं ज़्यादा टाइम पर फ्लाइट से जाऊंगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यार अभी मुझसे हो नहीं पाएगा। तो ज़्यादा टाइम का जो भी इशू रहेगा मैं आपको फ्लाइट से ही दिखाऊंगा मेरा पूरा। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि यार देखो पैसे तो उतने ही लगने वाले हैं, तो डबल वीडियो बना के क्या मतलब है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लंच कर लिया, थोड़ा सा चिकन फ्राइड राइस वगैरह, इतना कुछ महंगा नहीं था यहाँ पर। यहाँ से वनवे चलता है, एक ही रोड चलेगा। अच्छा, बस बॉर्डर की तरफ हम पहुँच गए हैं। A few moments later. ये बॉर्डर आ गया है, ये पहला गेट है बॉर्डर का, नेपाल बॉर्डर। तो जैसे आप देख सकते हो मैं अभी बॉर्डर पे पहुंच चुका हूँ, भैया की दुकान पे आ चुका हूँ। अभी भैया ने मुझे कुछ करेंसी एक्सचेंज करके दी है, मैंने टोटली मतलब वैसे तो ज़्यादा नीड नहीं थी, बट स्टिल मैंने 7,500 की करेंसी निकाली है। आप देख सकते हो 5 रुपये का नोट है, ये 10 का, ये 1,000 रुपये का नोट, तो प्रॉपरली पूरा दिखा दूँ। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूँ कि ये जो मुझे पैसे एक्सचेंज करके मिले हैं वो नॉर्मली ये रेट से अगर आप वहाँ से मतलब बॉर्डर प्राइस क्रॉस करोगे तो आपको इससे ज़्यादा पैसा मतलब भरना पड़ेगा, या कोई चार्जेस कटता है ना इसका उसका। तो आप यहाँ से एक्सचेंज करा लो मेरे बोलने के पहले, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। भैया ने मुझे डायरेक्टली बराबर पैसे दिए हैं मुझे। 7,500 का कितने दिए आपने? 12,000। ओके, 7,500 से मुझे 12,000 मिल चुके हैं। आप देखिए 12,000 रुपये में खर्च करके दिखूँगी। हेलो गाइज, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ सोनौली बॉर्डर की तरफ में। तो यहाँ के बारे में आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरी तो कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई है, बट फिर भी आप अपना आधार कार्ड और अपना लाइक जो पासपोर्ट है वो कैरी करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मेरी चेकिंग क्यों नहीं हुई वो तो मुझे खुद को नहीं पता। आई थिंक मेरा तो बैग वैग था, तो मुझे तो कुछ पूछा हुआ तो नहीं, सिर्फ डायरेक्टली एंट्री दे दी है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकल गया तो आप भी निकल जाओगे। अंदर आने के लिए वैसे कुछ नॉर्मल चेक नहीं होता है, आपको सब कुछ पूछेंगे, बस कितना है क्या है, करेंसी एक्सचेंज करवाइए, ठीक है। उसके बाद एक सिम खरीदिए, सिम अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ आ जाएगा इंडियन करेंसी के हिसाब से, ठीक है। नेपाली डॉलर्स में मतलब बस का हो जाएगा 500 to 600, ठीक है, पर पकड़ेगा। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अभी यहाँ से हम लोग की बस निकली 6 बजे। पासपोर्ट नीड नहीं थी, ठीक है, पासपोर्ट जिनको मतलब अपना ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है बस उन्हीं के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वही बस पासपोर्ट एंड ऑल एक्टिफाई करें, बाकी आधार कार्ड से भी एंट्री होती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ रूमर्स है। अभी मैं सोनौली बॉर्डर पे हूँ, यहाँ से शायद मेरी बस 6 बजे निकलेगी, तो मैं मॉर्निंग कल 5 बजे पहुँचूँगा, तो आपको थोड़ी बहुत राइड के बारे में बता दूँगा कितना पैसा लगा क्या लगा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार हाँ थोड़ा सा बॉर्डर पे मास्क वास्क लगाना भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी बस भैया के पास आया था यहाँ पे अपनी बस बुक करने के लिए, तो मेरे हुए यहाँ पे 1,100 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब लाइक बसेस पूरी लगी हुई है। A few moments later. सिम कितने की है वैसे? 200 नेपाली। और रिचार्ज क्या है उस पर? और नेट वगैरह, नेट कितने का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कितना उसका चार्ज? अच्छा,
ठीक है चलो दिखा दो कौन सा 70s वाला, वो लेता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सिम कार्ड लेने आया था, बट सिम कार्ड में दिक्कत ये हुई है कि मतलब उन्होंने मुझे बोला है कि आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक फ़ोटो भी लगेगी। मैंने पासपोर्ट फ़ोटो बस निकाल ली है, फाइनली ऐसी फ़ोटो आई है मेरी 2 दिन के ट्रैवलिंग के बाद। ले अभी मैम से सिम लेकर के सीधा पहुँचेंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि यार सफ़र लंबा है तो कुछ खा पी के जाना पड़ेगा। अब यहाँ का नेपाली लोकल फूड भी ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो फाइनली सिम मिल चुकी है एनसेल कंपनी की, 330 रुपीज़ नेपाली के, 7 दिन का 1 GB मिलेगा रोज़ का। लोग भी कभी मतलब नेपाल आओ तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा अंकल का, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके मतलब टिकट एंड ऑल सब बुक कर सकते हो। आपको मेरी नेपाल से काठमांडू जाने की बस दिखा दूँ, सोनौली जो बॉर्डर से आया था, ये कोहिनूर मेरे पीछे जो बस आप देख रहे हो, अंदर से भी आपको थोड़ी बहुत दिखा दूँ यहाँ से झलक। अभी तक तो बस स्टार्ट होने की है, प्रॉपर बहुत अच्छी बस है फिर भी ठीक है, 1200 रुपये लिए, वर्थ है 1200 रुपये भी। AC है, अब क्या कर सकते हैं, AC का तो उतना चार्ज बनता ही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं, बट मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ से 20 मिनट्स और दूर है, तो अभी दोपहर के लाइक 1 बज रहे। A few moments later. तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अभी काठमांडू नेपाल। ये मेरे फ्रेंड से न्यू, आज हम लोग इनके साथ ही रहने वाले हॉस्टल में। तो आपको मैं एक्स्ट्रा बता दूँ, अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले इसका स्टेप अप जो हमारा हॉस्टल है थामेल में। तो कभी भी याद रखना कि जैसे आपकी बस रुकती है तो आपकी बस यहाँ पे बस अड्डा में रुकती है, यहाँ से आपको थामेल के लिए एक पटाओ नाम का ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हो अगर आप बाइक से सिंगल हो। अगर आप 2-4 लोग हो तो कॉन्ट्री करके सीधा एक टैक्सी वगैरह कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा ठीक है। अब मैं आपको आगे की अपडेट दिखाऊंगा, थोड़ा बस स्टॉप दिखा दूँ कैसा है कैसा नहीं। ये बस से हम लोग आए थे, ये नेपाल की गली गली घूम रहे हम लोग हॉस्टल देखने के लिए। काठमांडू प्रिंस होटल, भाई ये बहुत महंगा देगा ये मेरा चड्डी निकाल देगा अरे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अपने घर के चौराहे से बस वो शैम्पू वैम्पू लेने के लिए निकले बाहर में, पता है वो, हाँ वो वाली फीलिंग आ रही नहीं है कि काठमांडू आए हम लोग करके, ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है घर पे ही हम लोग करके। अभी भी अभी मम्मी जो ऊपर से आवाज देगी, जा बेटा जा साबुन लेके आ नहाने की यही बस चलेगा अभी। आर यू कॉमेडी मी, इनको यहाँ पे भी होटल नहीं मिला तो अभी लास्ट ऑप्शन वही है कि booking.com की तरफ में अभी हम कुछ बुक करें और भाई लोगों को अपना कार्ड डाल के वहीं पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। हाँ मेरे को भी थोड़ा सा जल्दी अभी जाना है, फ्रेश व्रेश होना है, तुम्हारा भाई कल रात से बहुत थक चुका है। कोई ना कोई अपने आगे जो जाएगा ना देखना, उन लोग भी कोई ना कोई देखेंगे अपने सबसे लोग मतलब ऐसे देखते ही रहते हैं। अरे यार इसके हाथ में कैमरा है। फाइनली मुझे इन लोगों को गेस्ट हाउस देने के लिए मिल चुका है, ये गेस्ट हाउस है पूरा प्रॉपर एज यू कैन सी। खाना पीना सब कुछ है। 2 hours later. तो बस उन लोगों को मैंने अभी होटल रूम दे दिया है, अभी फ्यूचर में देखते हैं उन लोगों को मिलने जाऊंगा लंच के लिए। फिलहाल मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाऊँ, यार तुम लोग भी देख रहे हो 2 दिन से मेरी हालत कैसी हो गई है। ऑन द वे था तो नेपाल पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करूँगा, कुछ खाना पीना खाऊँगा, ऊपर में मस्त है तुम्हारा भाई गचागच गजागच करेगा रात भर। तो ये बाहर से सो हॉस्टल है, आप एक्चुअली इस हॉस्टल की लुक पे मत जाना, इसका मैं टेरिस एंड ऑल आपको पूरा प्रॉपर दिखा दूँ। यहाँ पे इतने सारे टूर्स एंड पैकेजेस भी हैं, बहुत अच्छा हॉस्टल मिला मेरे को एक्चुअली। रेस्ट ऑफ यहाँ पे वॉक करने वाले भैया, पूरा ऑसम है व्यू, आप देख सकते हो पूरा प्रॉपरली। तो ये पूरी सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोगों को कुछ भी अगर करना होगा तो भैया का नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग इनमें से कुछ भी लाइक से आपको सर्विस चाहिए होगी नेपाल आने के बाद में तो आप बुक कर लेना। चलिए भी रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यहीं पे आके स्टे करें, जब भी आप नेपाल आओ यहाँ की मैं डिटेल्स नीचे डाल दूंगा। booking.com से मैंने की है, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे इतना सस्ता पड़ा है ये, इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली मेरे को 819 रुपीज़ सिर्फ 3 दिन का। बिलीव करो मत करो, मैं अपना प्रूफ भी वहाँ पे डाल दूंगा,
और वैसे उतनी पेमेंट ली गई है, मतलब कोई टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं, जितनी वहाँ पे लिखी थी उतनी पेमेंट उससे ली गई है प्रॉपर पूरा उस चीज़ के लिए। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, कुछ ऐसा लूटने वाला काम नहीं बाकी हॉटल्स की तरह। तो आप एक बार आके एक बार रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे, डोम्स दिखा देता हूँ आपको, डोम्स वगैरह प्रॉपर पूरा मतलब कॉमन रूम भी। वो बंदा है तो ये हमारे डोम्स यहाँ पे ये रूम्स हैं, ठीक है। आगे हमारा डोम, आप ब्यूटीफुल आर्ट बिल्डिंग यहाँ से देख सकते हो। आज 15 रुपये में क्या मिलेगा यार, ये मेरा बैग चेक से तो दिस इज द रूम। तो दिस इज द कॉमन रूम एज यू कैन सी, ये कॉमन रूम है पूरा प्रॉपर यहाँ का। As you can see the view also. This is beautiful Nepal. So finally I am signing off. Okay. So इतना आपको दिखाने के बाद में यार मैं भी बहुत थक चुका हूँ। तो ये वीडियो का एंड है, बहुत आपको चीज़ें मैंने दिखा दी। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है बट स्टिल जैसा भी था आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुझे पता है, और जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन भी पूरी दे दी है कि मुझे मतलब कितना अच्छा लगा। सर वीडियो को प्लीज़ यहाँ तक के प्यार देखने के लिए एंड करने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके कोई और डाउट होंगे कि वीज़ा वगैरह किस चीज़ का है, फॉरनर तो किस चीज़ का डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा, होटल का स्टे स्टेटम का। और आप होटल का बता दो, मुझे बहुत सस्ता पड़ा है, मुझे 830 रुपीज़ में 3 दिन का स्टे मिला है। वो कैसे मिला है वो भी आप पूरे वीडियो के एंड तक के देख लेना, तब आपको समझेगा बीच में वो बात, ठीक है। स्किप मत करना, आगे देखना। और जो भी देख रहे हो वीडियो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। और नेपाल के मैं और 5-6 ब्लॉग लाने वाला हूँ, तो पूरा वो नेपाल कवर करूँगा, एक दिन टेम्पल, एक दिन नाइट। तो आज मैं नाइट करने वाला हूँ, तो नाइट देखा तुम्हारे भाई से 6 रुपये मिलता है। तो थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू, शब्बा खैर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टप टक टिल के लिए बाय।